हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बबली किचन। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब सेहतमंद और खुशहाल होंगे। आज हम गुड़ मूंगफली की पट्टी बनाएंगे, जिसको लोग चिक्की भी कहते हैं। और ये देखिए, इसको हम घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन क्लिक करें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें, इससे सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगी। सर्दियों में लोग मूंगफली तेल इनकी पट्टियां खुश होके खाते हैं, और लोहड़ी के आसपास तो वैसे भी ये लोग खाई जाती हैं सारी। ये मैंने कच्ची मूंगफली ली है 250 ग्राम, 250 ग्राम। आप चाहें तो भुनी हुई मूंगफली भी ले सकते हैं। और 250 ग्राम ही मैंने गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने तोड़ लिया, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। अब मैंने कच्ची मूंगफली ली है, तो मैं सबसे पहले मूंगफली को ड्राई रोस्ट करूँगी। एक नॉन स्टिक कढ़ाई लूँगी, गैस ऑन करूँगी और उसके अंदर ये मूंगफली डाल के इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आपने इसको ड्राई रोस्ट जो है वो स्लो फ्लेम पे करना है। कम से कम 10-12 मिनट लग जाएंगे इसको करने में। अगर आप तेज सेक में करेंगे तो फिर ये अंदर से कच्ची रह जाएगी, ऊपर से जल जाएगी। तो इसका अच्छी तरह से भूनने के लिए आपको फ्लेम स्लो करना पड़ेगा। और जैसे जैसे भूनते जाएंगे, ये देखिए इसमें से छिलका भी उतरना शुरू हो जाता है, कलर भी इसका चेंज हो जाता है। अब हम इसको एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख लेंगे और इसके छिलके उतारने हैं हमें। छिलका उतारने के लिए मैं एक कॉटन का नैपकिन ले लूँगी, कोई भी आप कपड़ा ले लें कॉटन का, और उसके अंदर इसको डाल के हम इस तरह से एक पोटली सी बना लेंगे और इसको मसल लेंगे अच्छी तरह से, ताकि इसका छिलका भी उतर जाए। और मूंगफली के अगर दो दो पीस हो जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, ताकि इसके सारे छिलके उतर जाएं। इस तरह की छन्नी ले लें जो फ्राई करने के लिए लेते हैं हम, उसके अंदर डाल के इसके छिलके निकाल दें सारे। और सारे छिलके निकाल के आप इस तरह से साफ कर लें, कुछ जो रह जाएंगे उनको हाथ से भी आप निकाल सकते हैं। कोशिश करें कि इनके दो दो पीस हो जाएं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें एक चम्मच घी डाल देंगे, और वो जो गुड़ कुटा हुआ है वो भी डाल देंगे साथ में। इसका भी हमने फ्लेम जो है लो ही रखना है, लो फ्लेम पे ही हमने गुड़ को मेल्ट करना है। कढ़ाई आप नॉन स्टिक ही लें तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो कोई भारी तले वाली कढ़ाई भी ले सकते हैं। ये देखिए धीरे धीरे गुड़ जो है मेल्ट होना शुरू हो गया है। जो बीच में मोटे पीस हैं उसको हम इस तरह स्प्रेचुला से दबा के मेल्ट कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा गुड़। ये देखिए हमारा गुड़ मेल्ट हो गया है। फ्लेम हमने लो टू मीडियम ही रखा है और इसको हम हिलाते रहेंगे ताकि गुड़ जो है सारी साइड से एक जैसा ही पके। ये देखिए इसके अंदर बबल्स आने शुरू हो गए हैं अच्छी तरह से, मतलब गुड़ हमारा पकना शुरू हो गया है। अब ये देखिए जो इसके अंदर ये बबल्स आ रहे हैं ना, ये इस तरह से जब रुक रुक के बबल्स आने शुरू हो जाए तो समझे हमारा गुड़ पक गया है। लेकिन मैं आपको फिर भी पानी के अंदर डाल के टेस्ट करके दिखाती हूँ कि हमारा गुड़ जो है कौन सी कंसिस्टेंसी तक पूरी तरह पक जाना चाहिए। तो एक बॉल में हम पानी ले लेंगे, उसके अंदर में थोड़ा सा 2 ड्रॉप गुड़ के डाल देते हैं और उसको डाल के हम ठंडा होने तक वेट करेंगे। फिर फ्लेम जो है आप बिल्कुल लो कर दें थोड़ा सा और डाल के गुड़ को, और फिर इसको हम चेक करते हैं। अगर तो ये आसानी से तड़क के टूटता है, कड़क करके टूट जाता है जैसे टॉफी होती है, तो हमारा गुड़ जो है इसका मतलब पक गया है। ये देखिए ये मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, चेक कर लेते हैं हम अभी हमारा गुड़ पक गया या नहीं। ये देखिए एकदम से कड़क करके टूटता है, इसका मतलब कि हमारा गुड़ जो है वो बिल्कुल बन गया है। अब हम गैस को बिल्कुल लो कर देंगे और इसके अंदर मैं एक चम्मच सौंफ डाल रही हूँ। सौंफ डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सौंफ का स्वाद चिक्की में बहुत बढ़िया आता है जब मुँह में सौंफ आती है। और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाल लेंगे, जो खाने वाला सोडा, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, 1/4 चम्मच यानी 2 चुटकी के करीब, और इसको फटाफट हिलाएंगे। अब इसको हम जैसे जैसे हिलाते जाएंगे, ये देखिए आपको इसका कलर भी लाइट हो जाएगा और ये थोड़ा फूलना भी शुरू हो जाएगा। ये देखिए कलर का कितना चेंज आना शुरू हो गया। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और गैस जो है बिल्कुल लो पे ही रखेंगे, बिल्कुल लो पे। अब इसके अंदर हम मूंगफली डाल देंगे, कोई एक आधे छिलका अगर रह जाता है कोई बात नहीं, पर कोशिश करें इसके दो दो पीस हो जाएं। फटाफट ये प्रोसीजर आपने करना है, अच्छी तरह से इसको गुड़ के अंदर मिक्स कर लेना है मूंगफली में। अब आपने जिसके अंदर इसको जमाना है, या तो कोई थाली ले लें, प्लेट ले लें जिसके ऊपर घी लगा लें, या फिर मैंने इस तरह से सिल्वर फॉइल ले लिया है जिसके ऊपर इसको घी से ग्रीस कर लिया है। बटर पेपर पे भी आप इसको लगा सकते हो, घी लगा के उसमें भी आप चिक्की को
जमा सक। अब ये देखिए गरम गरम ही मैंने निकाल के इस बटर पेपर के ऊपर डाल देना है, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया, आजकल सर्दी है तो गुड़ जो है वो बहुत जल्दी जम जाता है। अब ये देखिए एकदम से इसके ऊपर हमने गरम ही डाल देना है और इस तरह से थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप दबा दें थोड़ा इसको, ताकि ये फैल जाए। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ी सी चिपक रही है, बेलन पे एक घी लगा के रख लें थोड़ा, और उसके सहायता से इसको बेल लें और साथ साथ में हाथ से इसको साइडों से सेट करते जाएं, आराम से बेल जाएगी ये। गरम गरम ही आपने इसको बेलना है, नहीं तो जम जाएगा, फिर नहीं बेली जाएगी ये। बेलन को आप थोड़ा घी लगा जरूर लें, नहीं तो फिर वो घी जो नहीं लगाएंगे तो बेलन पे ये गुड़ चिपक जाएगा। ये देखिए इस तरह से हम इसको बेलते जाएंगे और साइडों से सेट करते जाएंगे। जितनी आपने मोटी रखनी है उतनी बेल लें इसको। मैं मीडियम साइज़ की बेलूंगी, बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी, क्योंकि मूंगफली की पट्टी बहुत ज़्यादा पतली नहीं हो सकती, कि मूंगफली का भी एक साइज़ होता है बीच में। ये हमने बेल दिया, अब हम थोड़ी ये अभी गर्म ही है तो इसी के ऊपर ही हम अभी इस पर मार्क लगा लेंगे जितने साइज़ के हमने पीस काटने हैं। बेलते बेलते ही ये देखिए हमारी जमनी शुरू हो गई है, इतनी ठंड है। एक चाकू ले लेंगे, तेज़ चाकू हो तो ज़्यादा बेटर है, उससे इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। जितने पीस काटने हैं आपने उसके साइज़ के हिसाब से काट लें। अगर आप पीस नहीं काटना चाहते तो ये ऐसे भी टूट जाएगी, जैसे मर्जी पीस करके, स्वाद तो वही रहना है, मैंने तो दिखानी है तो इसलिए मैंने पीस काटे हैं। वैसे अगर हम ना भी काटे तो भी आप खा सकते हो। अब ये और ये साइडों से भी सारे निकाल लेती हूँ। अब ये जो पीस साफ़ हैं इनको हम बड़े आराम से निकाल लेंगे, बस 5-10 मिनट के अंदर ही ये निकल जाएंगे, जम जाएगी। 10-15 मिनट में जम जाती है, बहुत ही बढ़िया और कुरकुरी क्रिस्पी हमारी पट्टी बन के तैयार हुई है, मूंगफली और गुड़ की पट्टी बन के तैयार हुई है। मैं इसको भी आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए बड़े आराम से इसके पीस निकल जाएंगे, क्योंकि हमने पहले मार्क लगा दिए हैं। ये देखिए कितनी अच्छी पट्टी बन के हमारी तैयार हुई है, इसी तरह से हम बाकी के पीस भी निकाल लेंगे। अगर आप चिक्की बनाते हो तो कढ़ाई में देखिए गुड़ लग जाता है साइडों में, अब उसको साफ़ करना होता है, तो साफ़ करने के लिए आप क्या करें, एक कप दूध डाल दें, दूध को उबाल लें और साथ साथ में कढ़ाई को भी साइडों से उसकी गुड़ उतारते जाएं, तो ये हमारा गुड़ वाला दूध भी बन जाएगा और हमारी कढ़ाई भी क्लीन हो जाएगी। बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका, गुड़ वाला दूध भी पियो और कढ़ाई को भी साफ कर लो, उबाल के इसको गर्मा गर्म दूध पियो। सर्दियों में वैसे भी गुड़ वाला दूध भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए कितना बढ़िया कढ़ाई साफ हो रही है, साथ में एक बॉयल आ जाए आप इसको कप में डाल दो और कढ़ाई आपकी बिल्कुल साफ, और साथ में गर्मा गर्म गुड़ वाले दूध का मज़ा भी लो। अगर आपको मेरी ये गुड़ मूंगफली की पट्टी की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और राइट हैंड पे जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर दबा दें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके, और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलते हैं।